जिला राजनांदगांव कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने शहर में धीमी गति से चल रहे अमृत मिशन कार्य को लेकर भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि सौर इक्कीस योजना से जुड़ी फाइल को नगर निगम से गायब किया गया है, साथ ही इसमें करोड़ों रुपए के घोटाले किए जाने की बात भी कही गई है। अध्यक्ष कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में अवगत कराने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा का कहना है कि अमृत मिशन योजना से 24 घंटे लोगों के घरों में पानी मिलना था जो सही से नहीं मिल पा रहा। इस योजना के तहत 35 से 40 फीट ऊपर तक पानी पाइपलाइन के जरिए चलाकर देने का प्रावधान है, लेकिन इसका लाभ भी यहां की जनता को नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री, नगरीय निकाय मंत्री, प्रभारी मंत्री को पत्र लिखा गया है। अमृत मिशन पे पूरी सक्रियता से टीम काम कर रही है। जितने भी इंटरकनेक्शंस बचे हुए थे लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं। 4 इंटरकनेक्शंस हमारे शहर में भी बचे हैं। आप देख रहे होंगे कि वीकली शटडाउन लेके 2-2 इंटरकनेक्शंस कंप्लीट किए जा रहे हैं। इंटरकनेक्शंस होने के बाद टेस्टिंग की जा रही है और जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है उसे तत्काल दूर किया जा रहा है। इस हेतु वार्ड में सब इंजीनियर्स और फिटर की टीम भी बना दी गई है। पूर्व जो अमृत मिशन योजना चल रही है वो पूर्व के भाजपा कार्यकाल की डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र की ये योजना है और ये पूरी तरीके से अमृत मिशन योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। इस बाबत हम शुरू से पहले नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव जी से तब से हम इसका विरोध करते आ रहे हैं कि काम ठीक नहीं हो रहा करके, और आज जनता को तकलीफ झेलनी पड़ रही है।